हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज हम जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के द्वारा इशू किया गया जो मॉडल सेट है, उस मॉडल सेट को हम यहाँ पर उसके क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मॉडल सेट का क्या मतलब होता है? मॉडल सेट का मतलब होता है कि एग्जामिनेशन में, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में जैसा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम एक मॉडल आपको पहले से इशू कर दिया गया है जैक के द्वारा। क्यों किया गया है? ताकि जो स्टूडेंट हैं वो ये समझ लें, ये जान लें कि एग्जामिनेशन किस पैटर्न पे होना है, किस तरीके से उनको एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है। इसीलिए पहले ही एग्जामिनेशन से पहले आपका मॉडल सेट इशू किया जाता है। तो काउंसिल ने इशू कर दिया है मॉडल सेट, और उसके आधार पर जो है आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। मॉडल का मतलब एक मॉडल आपको दिया है, एक इसी के आधार पर एक मॉडल आपके एग्जामिनेशन में होगा, तो आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करना है। इस मॉडल सेट में आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 40, और 400 क्वेश्चन जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस जो बेस्ड आपका यहाँ क्वेश्चन है। वन बाय वन करके हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? When the first book of bookkeeping and accountancy was published, है ना? तो bookkeeping और accountancy का पहला first book किस year publish किया गया था? तो आपका option जो है वहाँ लिखते हैं 1946, B है आपका 1994, C है आपका 1494, और डी है आपका, ये सारे लोग को पता होता है पहले से ही, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, 1956। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका सी, 1494 में बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का पहला बुक जो है वो पब्लिश किया गया था। किसने पब्लिश किया था? तो होगा आपका लुकास पैसियोली, जो कि इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। इन्होंने बुक कीपिंग का या अकाउंटेंसी का पहला बुक पब्लिश किया गया था। तो किसने किया था? लुकास पैसियोली ने। फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं? लुकास पैसियोली को। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। कब इन्होंने बुक कीपिंग का या कहो कि अकाउंटेंसी का पहला बुक कब पब्लिश किया था? 1494 को पब्लिश किया था। तो ये आपका काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, और ये हर लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप देखोगे तो किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का ही एग्जामिनेशन क्यों ना हो, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर होता है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना, ध्यान में रखना कि किसने किया था, कब किया गया था, किया था, कहाँ के रहने वाले थे वो, ये सब कुछ आपको जानना ज़रूरी है। तो लुकास पैसियोली इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। 1494 में इन्होंने जो है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का पहला बुक पब्लिश किया था। इस तरीके से भी इसको पूछा जा सकता है। दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा? हु इन्वेंटेड द डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? तो जो डबल इंटरेस्ट सिस्टम का इजाद है, यानी दोहरा लेखा प्रणाली, हम एक डेबिट करते हैं और एक क्रेडिट करते हैं, हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, उसी को बोलते हैं डबल इंटरेस्ट सिस्टम। उसको किसने इन्वेंट किया था? लुकास पैसियोली ने। तो देखिए, आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे आपका मॉडल सेट में जो दिया गया है वो पूछा गया है आपका कि व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी वाज पब्लिश, तो 1494, लुकास पैसियोली इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे, और इन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को और तरीके से कैसे पूछा जाएगा? तो हु इन्वेंटेड द डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? तो लुकास पैसियोली, ये आपका आंसर होगा। चलो, बाकी आपको तो इस ऑप्शन को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा आपका ऑप्शन समझाने के लायक भी नहीं है, है ना? सीधा आपका आंसर सी टिक करोगे, 1494। दूसरा क्या है? दूसरा है लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग पहला है मनी, दूसरा है ट्रांजैक्शन, तीसरा है बिजनेस,
और चौथा है आपका नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन दिया गया है। तो पूछता है कि इसमें से अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या है, क्या होना चाहिए इसका। इसमें क्वेश्चन बोलता है लेखांकन की भाषा है, इस क्वेश्चन को ऐसा होना चाहिए था कि लेखांकन किसकी भाषा बोलता है, तो उसका आंसर है आपका बिजनेस की भाषा बोलता है ना। हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सके, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजिशन पता कर सके। इसीलिए बेसिकली कोई भी ऑनर जो है बिजनेस का, वो अकाउंटिंग इसीलिए कर रहा है कि उसको अकाउंटिंग करने में कोई इंटरेस्ट एज सच नहीं है, उसको इंटरेस्ट है अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को जानने में, बेसिकली प्रॉफिट को जानने में और बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजिशन है इसको जानने में उसको इंटरेस्ट है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो बिजनेस होना चाहिए, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि मनी भी होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को इस तरीके से देना चाहिए था कि अकाउंटिंग किसकी भाषा बोलता है, अगर तो मनी की भाषा बोलता है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं। तो इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन और इवेंट होते हैं, आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है, जितने भी ट्रांजेक्शन या इवेंट हैं वो मनी में होना चाहिए। इसीलिए हम इसमें एक आपका एक कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, यानी जितना भी ट्रांजेक्शन है वो सब कुछ किस में होना चाहिए, मनी में। जैसे अगर कोई भी ट्रांजेक्शन की हम बात करें, हम बोलेंगे कि पेड रेंट, ये एक ट्रांजेक्शन है, रेंट पे करना एक ट्रांजेक्शन है। तो कितने का रेंट पे किया गया अगर नहीं लिखा है तो हम इसको अकाउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अकाउंटिंग मनी की भाषा बोलता है। अगर हम बोल दिए कि रेंट पे किया गया है 5,000 रुपया, तब हमको इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंटिंग जो है उसमें मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है, जिसमें जितने भी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम मनी में करते हैं। जैसे मान लो कि आपका डेटर है, क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, क्योंकि ये मनी में नहीं है। अगर मनी में दे दिए कि डेटर कितने का है, 10,000 का, तब रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिटर है, बिल्डिंग है, जितना भी चीज़ है आपका, जब मनी में रहेगा तब हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसको लिखना चाहिए था कि अकाउंटिंग किसकी भाषा बोलता है, तो बिजनेस की भाषा बोलता है, ऐसा इसको होना चाहिए था, है ना। अकाउंटिंग में हम ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, किस कंसेप्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट वो मनी में होगा तभी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका। इसके बाद थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकाउंटिंग इज आर्ट है, साइंस है, आर्ट और साइंस दोनों है, या फिर नॉन ऑफ दिस। अकाउंटिंग है आपका आर्ट है, बी है आपका साइंस है, सी ऑप्शन है आर्ट और साइंस, और डी ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दिस। देखिए, अकाउंटिंग क्या है, आपका आर्ट और साइंस दोनों है। कैसे आर्ट और साइंस है, आर्ट का क्या मतलब होता है और साइंस का क्या मतलब होता है। देखिए, जो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमको अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजिशन को पता करना है, इसीलिए हम सारा काम कर रहे हैं। और ये सारा काम करना क्या है, आर्ट है। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात को प्रूफ हम कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ तो इसका प्रूफ होना चाहिए ना कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो अकाउंटिंग तो आपका रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइज करना, ये तो आर्ट है। लेकिन साइंस क्यों है, क्योंकि हम ये जो भी काम आर्ट में, हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, चाहे क्लासिफाई कर रहे हैं, चाहे समराइज कर रहे हैं, इसको हम किसी न किसी सिद्धांत के सहायता से करते हैं, किसी न किसी प्रिंसिपल की सहायता से करते हैं, किसी न किसी टेक्निक से करते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। हम कहीं पहुंचना चाहते हैं, कहाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजिशन पे, इसलिए हम सारे ट्रांजेक्शन को एकदम सिलसिलेवार ढंग से रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और ये रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, ये तो हम कर सकते हैं, सारा काम हम करते जा रहे हैं,
है ना, क्योंकि हमको अपने टारगेट को अचीव करना है, तो ये आर्ट है। लेकिन जो टारगेट को अचीव करने के लिए जो रिकॉर्डिंग क्लासिफाई समराइज कर रहे हैं, क्या उसका कोई बेस भी है? उसका बेस है आपका, कि क्या बेस है इसका, तो वो आपका किसी न किसी प्रिंसिपल पर आधारित है, कोई ना कोई उसके पीछे सिद्धांत है जो बता रहा है कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग करना है, किस तरीके से क्लासिफाई करना है और किस तरीके से समराइज करना है। ये सारा आपका जो जिस सिद्धांत के थ्रू किया जाता है उसी को हम कहते हैं साइंस। अब एक बात आप ये भी जान लो कि अकाउंटिंग जो है वो साइंस तो है पर एग्जैक्ट साइंस नहीं है। साइंस है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है। जैसे आपका फिजिक्स में या केमिस्ट्री में किसी केमिकल को टेस्ट करना हो, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वो लेबोरेटरी में आपका टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसको आप एग्जैक्टली लेबोरेटरी में किसी को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। जो भी इसमें प्रिंसिपल वगैरह है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, समय के अनुसार उसको बदला जा सकता है। और प्रिंसिपल बनता कैसे है, तो किसी भी काम को करने का बहुत सारा मेथड होता है, मेथड्स। जैसे मान लो कि आपको अपने कॉलेज से आपको अपना घर पहुंचना है ना। कॉलेज से कहाँ पहुंचना है? होम। घर पहुंचना है कहाँ से? कॉलेज से। अब जाने का बहुत सारा रास्ता भी होता है ना। एक रास्ता है आपका बिल्कुल सीधा रास्ता, ठीक है, पक्की सड़क है आपके घर तक। एक रास्ता है आपका कॉलेज से निकलो और ऐसे घूमते हुए जाओगे। एक रास्ता है आपका ऐसे ऐसे होते हुए आप अपने घर पे पहुंचोगे। स्टूडेंट क्या होता है कि जो सबसे सस्ता रास्ता होता है उसको खोज ही लेते हैं। तो ये मान लो कि आपका है मेथड नंबर वन, ये है आपका घर पहुंचने का मेथड नंबर टू, और ये जो है आपका मेथड नंबर थ्री है। तीनों तरीके से आप घर तो पहुंच ही जाओगे, लेकिन हम कहते हैं आपको कि सबसे इफ़िशियंट, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा होगा, कौन सा मेथड को आप अप्लाई करोगे घर पहुंचने के लिए। तो घूमने टहलने का मन है तो मेथड नंबर थ्री करोगे, है ना, या मेथड नंबर वन करोगे। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली घर पहुंचना है समय से, है ना, समय का बहुत कीमत होता है, तो आप मेथड नंबर टू को चुनोगे। तो देखिए, घर पहुंचने का बहुत सारा रास्ता है। मेथड नंबर वन ये भी आप चूज़ कर सकते हो, टू भी चूज़ कर सकते हो, थ्री भी, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड कौन है? तो सबसे बेस्ट मेथड है आपका मेथड नंबर टू। इसी को हम क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल। मेथड बहुत सारा है लेकिन सबसे बेस्ट मेथड को ही हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। अगर हम बोलेंगे कि इसको प्रिंसिपल क्यों माने, है ना, इसको हम सिद्धांत क्यों माने कि मेथड नंबर टू ही आपका को आप अप्लाई करो काम को करने के लिए या घर पहुंचने के लिए, तो हम इसीलिए क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड है और इसकी सहायता से आप काम को आसानी से कर सकते हो, समय के अंदर कर सकते हो, अपना मेहनत बचा सकते हो, बाइक में पेट्रोल बचा सकते हो, अपनी एनर्जी बचा सकते हो, है ना, अपना समय बचा सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है और यही मेथड आपको प्रिंसिपल का रूप लेता है, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट मेथड वही प्रिंसिपल बनता है। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी जो है, अकाउंटिंग को करने का बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा मेथड है, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है और प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है इसलिए हम इसको साइंस भी बोलते हैं, और इसीलिए अकाउंटिंग क्या है? आर्ट भी है और साइंस भी है। क्लियर हो रहा है बात? चलिए, थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ क्या है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, है ना, इसमें से कौन सा जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं है? ऑप्शन में है आपका कंसिस्टेंसी, पहला है आपका कंसिस्टेंसी यानी कंसिस्टेंट जो भी लिखता है निरंतरता, दूसरा क्या कहता है आपका कंजर्वेशन या कंजर्वेटिज्म भी इसको बोलते हैं, नहीं ये सी है। बी नंबर क्या है? पहला है आपका गोइंग कंसर्न, ठीक है, चलो ठीक है लिख देते हैं हम, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं इसको। दूसरा है कंसिस्टेंट, तीसरा क्या कहता है ऑप्शन में? कंजर्वेशन, और चौथा है
एक्रूअल। क्या ऑप्शन होगा आपका? देखिए, फंडामेंटल आपका जो आधारभूत यानी जो आधार है जिसके बिना आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते हो, मूलभूत लेखांकन अवधारणाएं हैं। मूलभूत का मतलब फंडामेंटल, इसके बिना आपका तो काम चलेगा ही नहीं। ये एकदम बेसिक पिलर है अकाउंटिंग का, है ना। तो वो फंडामेंटल अकाउंटिंग जो है अजम्पशन या बोलिए अकाउंटिंग कंसेप्ट, वो क्या है? तो आपका फंडामेंटल में जो आता है वो पहला है आपका गोइंग कंसर्न या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंस यानी कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, और आपका एक्रूअल कंसेप्ट। ये आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, कंसेप्ट है, आधारभूत। जितना भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो हम बेसिकली एक्रूअल सिस्टम को ही फॉलो करते हुए बनाते हैं। जैसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम एक्रूअल बेसिस पे कर रहे हैं। एक्रूअल बेसिस पे अगर हम नहीं करेंगे तो कभी भी हम अपने प्रॉफिट के प्रॉफिट को नहीं जान पाएंगे, एग्जैक्ट प्रॉफिट को नहीं पता कर पाएंगे। इसलिए आपका एक्रूअल जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर आता है, बेसिक है। अगर हम एक्रूअल को फॉलो नहीं करेंगे, एक होता है आपका कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, होता है एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग। तो कैश सिस्टम में आप सिर्फ जब कैश में कोई ट्रांजेक्शन होगा तभी आप रिकॉर्ड करोगे। तो क्या उधार वाले को रिकॉर्ड नहीं करोगे? नहीं, कैश सिस्टम में आप उधार वाले को रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे आप कैश बुक बनाते हो तो क्या कोई भी उसमें उधार के ट्रांजेक्शन को लिखते हो? तो अगर हम पूरा अकाउंटिंग ही कैश सिस्टम पे कर देंगे तो हम कभी भी अपने एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस या एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजिशन को नहीं पता कर पाएंगे। इसलिए एक्रूअल आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट में आता है। इसके बाद है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि अगर आप कोई एक मेथड या कोई प्रिंसिपल को आप फॉलो कर रहे हो तो आप सालों साल उसी को फॉलो करो। अगर आप बार बार मेथड को चेंज करोगे अपने मेथड को करने का, जैसे बहुत सारा मेथड अभी बताया था मैंने आपको, किसी भी काम को करने का बहुत सारा मेथड है। अब बार बार अगर आप मेथड को चेंज करोगे, आप उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ नहीं रहोगे, निरंतरता के साथ नहीं बने रहोगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं जो आपका एक फर्म, अपने फर्म के अंदर ही आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को दूसरे ईयर से यानी करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर नहीं कर पाओगे, एक फर्म के रिजल्ट को दूसरे फर्म से कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो बताओ अकाउंटिंग करने का फ़ायदा क्या रह जाएगा। इसलिए आपको कंसिस्टेंसी, जैसे अगर आप डेप्रिसिएशन मान लो कैलकुलेट कर रहे हो तो बहुत सारा मेथड है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एन्यूटी मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, तो बहुत सारा मेथड आपको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। और एक मेथड अगर आपने एक बार पिक कर लिया, चुन लिया, तो आप लगातार उसी से के साथ चले रहो जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ना हो, आप मेथड को चेंज नहीं करो। ये क्या कहता है आपका कंसिस्टेंस यानी कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो ये भी आधारभूत आपका जो है लेखांकन अवधारणा है, जिसको हम बोलते हैं आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है आपका, या गोइंग कंसर्न जो आपका यहाँ पे लिखा है, इसमें है कि आप जो है अकाउंटिंग इस तरीके से करते रहो। मान लो कि आपका ये मानते हुए कि आपका जो फर्म है, आपका जो बिजनेस है, वो इनडेफिनेट पीरियड तक चलता रहेगा। अगर मान लो कि आपको ये पता भी है कि आपका बिजनेस अगले 6 महीने में या 5 महीने में बंद होने वाला है, तो क्या आप अकाउंटिंग करना छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। आपको ये पता भी है कि 5 महीने या 6 महीने में आपका बिजनेस बंद होने वाला है, फिर भी आप ये मानते हुए अकाउंटिंग करो कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा, ताकि आपका बिजनेस जब बंद हो तब आपको ये पता रहे कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में बंद हुआ है या लॉस में बंद हुआ है। क्या इस बिजनेस की कोई और संभावना है? क्या फ्यूचर में हम दोबारा यही बिजनेस कर सकते हैं या किया जा सकता है या नहीं? अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट के साथ हुआ, अगर आपको किसी मजबूरी बस किसी बिजनेस को बंद करना पड़ रहा है जिसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, तो उस बिजनेस को आप फ्यूचर में भी कर सकते हो, है ना। और गवर्नमेंट को भी ज़रूरत होगा, आप कैसे टैक्स पे करोगे? अगर आप अकाउंटिंग करना छोड़ दोगे तो गवर्नमेंट को कैसे टैक्स पे करोगे? आपको तो पता ही नहीं रहेगा कि हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या है। तो जितना प्रॉफिट होगा उसके आधार पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपको ये मानते हुए अकाउंटिंग करना है कि मेरा जो बिजनेस है वो लगातार चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक बार किसी मेथड को पिक कर लो, लगातार उसके साथ बने रहो। एक्रूअल कंसेप्ट जान रहे हैं कि कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम दोनों को इसमें रिकॉर्ड करते हैं, चाहे आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन को ऐसे रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेसिकली, तो हम एक्रूअल सिस्टम से करते हैं। आपने कोई ऐसा एक्सपेंस जो आपने किया हो या ना किया हो, मतलब
कि जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि कोई स्टाफ है या कोई एम्प्लॉय है जिसका पर मंथ का सैलरी कितना है, 1,000 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने में उसको कितना मिलेगा, 12,000 रुपये है ना सैलरी। अब मान लो कि आपने सैलरी दिया है 11,000 रुपये, देना कितना था 12,000, तो क्या 11,000 को ही अपना खर्च मानोगे? नहीं, आपका सैलरी, अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी अभी आपका जो है, यहाँ लिखते हैं, सैलरी जो है आपका वो कितना है 11,000 जो आपने दिया है, और देना कितना था 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000, दिया है 11,000, तो क्या 11,000 को ही अपना खर्च मानोगे? अगर 11,000 को अपना खर्च मानोगे तो आप क्या सिस्टम को, अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो अपना एक्सपेंडिचर कम हो गया ना, एक्सपेंस कम हो गया ना। अगर 11,000 मानोगे, जितना दिया है उतना ही मान रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर कम हो गया। अगर एक्सपेंडिचर कम हो गया तो अननेसेसरी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या है कि आपको खर्च कितना हुआ है 12,000, अब इसमें से 1,000 नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम इसको दिखाएंगे क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 1,000, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 12,000, जिसमें से 11,000 दे दिया है, और जो नहीं दिया है 1,000 उसको भी अपना खर्च मानना है, और टोटल खर्च कितना मानना है 12,000। ये किस केस में होता है, एक्रुअल कंसेप्ट में होता है, ठीक है। तो इसी कारण से जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उस समय हम आउटस्टैंडिंग वेजेस को, आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। इसमें ये क्लियर है आपका, एक्रुअल। तो ये तीनों, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्रुअल कंसेप्ट, ये जो है आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है। कंजर्वेटिज्म या कंजर्वेशन जो है, रूढ़िवादिता के सिद्धांत जिसे शायद हिंदी में कहते हैं, ये क्या है आपका, इसको हम प्रूडेंस भी कहते हैं या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इसे हम कहते हैं। ये कहता है कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको इग्नोर करो, और अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसकी तैयारी अभी से करो। जब हम डिबेंचर को है ना रिडीम करते हैं प्रीमियम में, तो उस समय हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट आपका नहीं है, ये आप जान लो। कैसे होगा उस समय हम बात करेंगे, फिलहाल ये आपका तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट है, ठीक है। तो पुस्तक इसमें से कौन नहीं है फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट, तो सी हो जाएगा आपका, कंजर्वेशन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रूडेंस भी इसमें लिखा हो सकता है, या फिर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये आपका इसमें हो सकता है। चलिए पूरा डिटेल में हम लोग बात कर लिए, इसको हटाइए, आगे देखते हैं। और भी बातें इसमें हम कर सकते थे, लेकिन मॉडल सेट सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा अकाउंटिंग यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। विच फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ, हाँ, विच फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ अडॉप्टेड बाय बिजनेसमैन, मतलब है कि बिजनेसमैन इसमें से एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है, 5 नंबर, यानी कि जो बिजनेसमैन है वो किस अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है, किस अकाउंटिंग को एक्सेप्ट करता है, किस अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। चलिए इसको हम लिखते हैं फिर समझाते हैं। एक हो गया आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा हो गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरा हो गया आपका टैक्स अकाउंटिंग, और चौथा हो गया आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए बोलता है कि इसमें विच फॉर्म ऑफ अकाउंट और अडॉप्टेड बाय अ बिजनेसमैन, इसमें से कौन सा जो है उसको अडॉप्ट करेगा, तो आपका आंसर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जरा सा इस पर बात कर लेते हैं, कोई भी बिजनेसमैन है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सारे बिजनेस में, चाहे आपका कोई रिटेल का बिजनेस हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस हो, हर कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो करता ही है,
है ना। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कमियों को दूर करने के लिए इजाद किया गया है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को यहाँ पर करना होता है, बाकी पार्टनरशिप के लिए और आपका बात करें सोल प्रोप्राइटर के लिए तो उसके लिए एज सच कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए ज़रूरी है करना, है ना। कोई मैंडेटरी नहीं है लेकिन ज़रूरी किसके लिए है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके लिए। बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को जान सकें। जब तक आप अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को नहीं जानिएगा तब तक आप सामान को मार्केट में कैसे बेचिएगा। आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जाते हो, आपको बोलता है कि मोबाइल फ़ोन जो आप परचेस कर रहे हो मान लो 10,000 का परचेस किया है, और मान लो कि इस मोबाइल फ़ोन को जो बनाया गया है उसको कंपनी ए ने बनाया है। अब कंपनी ए यही नहीं जानेगा कि इस मोबाइल फ़ोन को हमने बनाया कितना में है तो मार्केट में बेचेगा कैसे, है ना। तो मार्केट में बेचेगा कैसे ये बात है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉलो करना होगा। ये हमको बताएगा कि इस मोबाइल फ़ोन को बनाने का कॉस्ट क्या होगा। तो मान लो कि मोबाइल फ़ोन को बनाने का कॉस्ट होगा 8,000, तो 2,000 के प्रॉफिट को ऐड करके आपको बेच देगा मार्केट में, जो कि आपका सेलिंग प्राइस होगा 10,000 रुपये। इसीलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं। बेसिकली ये जो अकाउंटिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो करती है, सामान को जो उत्पादन करती है, जो बनाती है, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करेगी तो अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट को नहीं जान पाएगी, अगर प्रोडक्ट को कॉस्ट को नहीं जान पाएगी तो प्रोडक्ट के की कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो फिर यहाँ पर सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग तो ज़रूरी है ही, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को जानना है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस का भी पता करना है और फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता करना है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो दोनों टाइप के अकाउंटिंग को अपना रखेगा, एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी रखेगा और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रखेगा जो दोनों को संभालेगा, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग को संभालेगा और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा सारा ब्यौरा लिखेगा। क्लियर है रहा बात, तो यहाँ पर दोनों मैंडेटरी है, है ना। मैंडेटरी नहीं है मतलब दोनों का यहाँ पर ज़रूरत है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपका मैंडेटरी है ही, ये तो करना ही है आपको। तो कहने का मतलब हो गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इसमें जो कमी था, इनकी जो कमियों को दूर करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को भी यहाँ पर लाया गया है, ठीक है ना। आप एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहे हो, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजिशन, जबकि प्रोडक्ट के कॉस्ट या कॉस्ट कंट्रोल को आपका कॉस्ट कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सब कुछ ठीक ठीक से करोगे। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर जो है वो सहायता करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, है ना। चलिए इसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग, भी आपका अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, कि चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, डिसीजन मेकिंग का काम, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग में हो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हो, जो आपका डिसीजन मेकिंग का काम होता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सारे बिजनेस के लिए अगर हम बात करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या रिटेलिंग हो, किस टाइप का भी बिजनेस हो, आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज़रूरी है। तो पूछा गया कि एक बिजनेसमैन कौन से अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है, तो वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस जो है वो किसको अडॉप्ट करेगा, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग को भी करेगा, साथ ही साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी वो अडॉप्ट करेगा। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग से कॉस्ट पता चलेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजिशन पता चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग देखते हैं क्या होगा। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन जर्नल, अब इसमें तो बताने वाली बात ही नहीं है। जर्नल में कितना कॉलम होता है, 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, तो ये तो आप जर्नल तो इतना बना ही चुके हो। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, टोटल 5 कॉलम, 2, इसमें लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, 3, 5, अपने मन से जोड़ डाल दो, 8, है ना। तो
तो क्या होगा आपका पांच, कौन कौन सा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, यही होता है फॉर्मेट जनरल का, है ना। तो एक दो तीन चार पाँच, पांच कॉलम होगा, ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हम लोगों ने देख लिया है, अब क्वेश्चन नंबर सेवन जो है उसको हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।